हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट मोड एंड एडवांस वीडियो। तो मेरा नाम है आशीष, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का अपनी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ बहुत अमेजिंग सा एड ऑन, जिसकी हेल्प से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एंड उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी माइनक्राफ्ट में। तो बहुत बार हम माइनिंग कर रहे होते हैं और बहुत हमारी स्टोरेज पूरी की पूरी भर जाती है एकदम स्पीशियस आइटम से, बट हमें इसमें से कुछ भी नहीं फेंकना, तो फिर इसे कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एंड फिर हमारा दिमाग एकदम ही खिसक जाता है। या गाइस, इसलिए मैं आज लेके आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए बैकपैक एड ऑन, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है पूरा माइनिंग एंड एवरीथिंग। इस बैग को आपको क्राफ्ट भी कर सकते हो, क्राफ्ट एंड इन सब के बारे में हम वीडियो में आगे जाके बात करते ही रहेंगे। तो मैं दिखा देता हूँ कि आप इसे कैसे ले सकते हो। बस इस बैग को प्लेस करना है एंड ओपन करके आप इसमें से अपनी इन्वेंट्री में जो भी स्टोरेज है, आपकी स्टोरेज एकदम डबल हो जाएगी। सो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल आने वाला है पूरा माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, एंड जो जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं माइनक्राफ्ट को, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है उनके पास, बट एंड ड्रैगन को किल करना इतना आसान भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर एंडर ड्रैगन को मारो, शल्कर बॉक्स को लेने के लिए एंडर ड्रैगन को मारो, फिर एंड सिटी फाउंड करो एंड फिर एंड सिटी के अंदर शल्कर को मार के फिर कहीं जाके हमें मिलता है ये। तो बस अपना ये बैकपैक पूरा भर दो एंड अब मेरी इन्वेंट्री एकदम पूरी खाली हो चुकी है और बस पहन लिया मैंने, बस इसके ऊपर को ऐसे चढ़ जाना है एंड ये पिन जाएगा आपको, और जब भी आपको इसे उतारना हो बस ऐसे क्राउच करना है। अच्छा, तो या ये कोई क्राउच करने से वो मेरा थोड़ा लैग हो गया था, बट ये लो एंड डिवाइसेस में स्मूथली रन करने वाला है एंड बस हम इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमारा सारा सामान ऑलरेडी आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये एड ऑन एक बार कमेंट में जाके ज़रूर बताना एंड ये आपके कौन कौन सी हेल्प में आएगा वो भी मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताना एंड इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप इसमें कुछ भी रख सकते हो और हम बैकपैक के अंदर भी बैकपैक रख सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा अमेजिंग है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम चलते हैं इसकी डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग प्रोसेस पे। ओके, तो गाइस इसकी इंस्टॉलिंग प्रोसेस एकदम ईजी है, या तो जो आपका ऑलरेडी वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है आप उसमें भी इस बैकपैक को एक्टिवेट कर सकते हो, या आप न्यू वर्ल्ड भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं न्यू वर्ल्ड बना रहा हूँ बिकॉज मेरे पास कोई वर्ल्ड नहीं है जिसमें मैं डालूँ। तो ये थोड़ी सी लोडिंग पता नहीं क्यों हमेशा ज़्यादा ही लेता है। तो नीचे रिसोर्स पैक में आपको डिस्क्रिप्शन में मीडिया फायर का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। रिसोर्स पैक का अलग होगा, बिहेवियर पैक का अलग होगा, तो रिसोर्स पैक एंड बिहेवियर पैक दोनों में एक्टिवेट कर लेना है। एंड मेन थिंग, तो ये कंटिन्यू मांगे इसे कंटिन्यू कर देना, कोई टेंशन की बात नहीं। मेन थिंग आपको इस सारे मतलब केवन क्लिप्स को छोड़ के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं सारे ऑन कर लेने हैं, वरना ये आपका बैकपैक वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए आपको इस सारे एक्सपेरिमेंट ओपन करके सिंपली वर्ल्ड को कर लेना है क्रिएट। सो अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करता आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना बिकॉज हम 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत ही जल्दी हिट कर देंगे अगर आप सभी का सपोर्ट एंड प्यार रहा। सो डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्राइब बटन। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस आई होप सो कि आप सभी इंस्टॉलिंग प्रोसेस समझ गए हो कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है एंड बहुत ज़्यादा ईजी था। एंड अब हम देखते हैं कि इसे कैसे क्राफ्ट कर सकते हैं हम सर्वाइवल में। तो उसके लिए हमें लेना होगा अपना मेन थिंग ऑफ द माइनक्राफ्ट, अपना प्यारा क्राफ्टिंग टेबल, ये टॉर्च हटानी पड़ेगी इसलिए क्राफ्टिंग टेबल। एंड क्राफ्टिंग टेबल में हमें डालना होगा रैबिट, कहाँ गया रैबिट, हाँ ये रैबिट हाइड करके ये जो चीज़ है इसे हमें पूरा बहुत सारी चाहिए होगी, तो इसे यहाँ पे रखना है एंड थोड़ा सा यहाँ एंड नीचे, एंड हमें चाहिए होगी थोड़ी सी स्टिक्स, ओनली 2 स्टिक्स। तो यहाँ पे 2 स्टिक हम जैसी रखेंगे हमारा बैकपैक बनके रेडी हो जाएगा एंड हम ऐसे कितने भी बैकपैक बना सकते हैं, बस रैबिट को मारो एंड रैबिट डेजर्ट में इजीली मिल जाता है। तो ये था एंड बस इस बैकपैक को रखो, ओपन करो एंड इसके अंदर भी कुछ भी सामान रख दो बैकपैक के अंदर। हर बैकपैक के अंदर एक अलग सामान होगा लाइक अ शल्कर बॉक्स, एंड हम इसे ऐसे हिट भी कर सकते हैं लाइक अ एंटिटी एंड ये जब मरेगा तो इसके अंदर का सामान भरा के गिर जाएगा। जैसे ये देखो, इसके अंदर मैंने बैग रखे थे
सो ये बहुत ही अमेजिंग मोड है, आप इससे एक्सप्लोरेशन को जा सकते हो, कुछ भी कितना भी सामान आप कैरी कर सकते हो। तो गाइज माइनिंग करते टाइम हमें दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत पड़ती है, जो कि फर्स्ट है स्टोरेज की, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है, एंड सेकंड टॉर्च। हम इतनी सारी टॉर्च लगाएंगे कैसे काम बनेगा? तो टॉर्च का मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो डाल रखी है, लाइक अ जावा एडिशन, एंड उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके उस वीडियो को भी चेकआउट ज़रूर से कर लेना, एंड वो भी अमेजिंग है। उससे बस आपको लेफ्ट हैंड में टॉर्च रखनी है एंड पूरा सा लाइट अप हो जाता है, जो कि जावा एडिशन में आपने देखा ही होगा, तो बेडरॉक एडिशन लाइक अ पॉकेट एडिशन में भी है। तो आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर ज़रूर से कर देना इस वाली वीडियो अपने माइनक्राफ्ट वाले फ्रेंड्स के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग करते हैं। तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज हम 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो बाय बाय।